Hello student, I hope you all are fit and fine. I will teach you one amazing craft. So, today we will make fan at home. For making fan, we will need some items like glue, scissor, cardboard, color paper. तो हम चलते हैं फैन स्टार्ट करते बनाना. लेट्स स्टार्ट मेकिंग फैन. ओके, सबसे पहले हम लेंगे कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड को हम पतला पतला 1.5 या 2 इंच स्केल से मैं इसको नाप लेंगे. 2 इंच का हम इस पे टिक करके और इसको हम काटेंगे. 2 या 3 स्ट्रिक हम इसकी तैयार करेंगे. ये है स्टिक. ऐसी आप 2 या 3 स्ट्रिक तैयार कर लेंगे. 2 या 3 स्ट्रिक ऐसी आप तैयार कर लेंगे. ठीक है बेटा, कार्डबोर्ड से काट के उसके बाद आप वो 1 by 1 ऐसे ग्लू लगाएंगे और एक के ऊपर एक पेस्ट करते जाएंगे. ऐसे एक पेस्ट करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा. ऐसे जब 3 आप पेस्ट कर लेंगे तो आप उसके बाद क्या करेंगे, व्हाइट पेज लेंगे. कोई भी कलर पेज भी ले सकते हैं, जैसा आपका मन हो. जो पेस्ट किया हुआ है उसको आप इसके अंदर ऐसे फोल्ड करेंगे. ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे. लास्ट में ग्लू से चिपका देंगे. जैसे मैंने इसको तैयार करके रखा है, देखिए आप, ऐसे आपका वो तैयार हो जाएगा स्ट्रिक. ठीक है, उसके बाद क्या करें, उसके बाद हम कोई भी कलर का पेज लेंगे. आपके पास जो भी कलर हो आप लेंगे और ऐसे आप उसको फोल्ड करेंगे. ऐसे फोल्ड करके फैन का जो पंख होता है उसको आप तैयार करेंगे. ऐसे 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 आप उसको तैयार करेंगे. ये मुड़ गया. मुड़ने के बाद इसको हम ऐसे इसको पेस्ट, जैसे मैंने इसको तैयार करके रखा है पहले से. ये देखिए, ये ऐसे पेस्ट करके ऐसे तैयार किया है. दो मैंने तैयार किया हुआ है. इसको ऐसे हम एक में पेस्ट कर देंगे. ऐसे हम पहले से मैंने बना के रखा था, ऐसे हम इसको पेस्ट करेंगे. अब इसको मैं ऐसे इसमें पेस्ट करूंगी. ऐसी तरह प्रकार आप 2 या 3 बना सकते हैं. ओके, इसको फिर आप ऐसे पेस्ट करेंगे. ऐसे ऐसे इसको पेस्ट करेंगे. इसको ऐसे तैयार कर लिया. इसके बाद मैं इस पंख को, ये जो स्ट्रिक तैयार किया मैंने, ये स्ट्रिक उसमें ऐसे मैं इसको पेस्ट कर दूंगी. ऐसे ये पंख जो मैंने बनाई है, ये मैं अब इसमें स्ट्रिक में मैं ऐसे इसको पेस्ट कर दिया. मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया. ये मेरा ये फैट, ये मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया. ये फैन तैयार हो गया. अब इसको मैं हम लोग डेकोरेट करेंगे. डेकोरेट करेंगे. आपने देखा था मेरे पिछले वीडियो में कि मैंने फैन तैयार करके रखा था. अब हम इसको डेकोरेट करेंगे. जैसे देखिए, मैंने कई फैन इस तरह के तैयार कर लिए हैं. ठीक है, अब हम फ्लावर कट करेंगे. पहले ऐसे हम एक स्क्वायर पेज लेंगे, फिर इसको ऐसे हम फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. ये फोल्ड किया मैंने, फिर इसको हम कट कर देंगे. जिधर से खुला वाला भाग होगा उधर से हम कट करेंगे. ठीक है, ये इतने ढेर सारे मैंने फ्लावर कट कर लिए हैं. ढेर सारे आप देख सकते हैं, ऐसे ढेर सारे फ्लावर मैंने कट कर लिए हैं. ओके, अब इसके जो बीच में हमने लगाया है वो किसी भी कलर से आप छोटा छोटा सर्कल काट के ऐसे छोटा सा आप ऐसे लिए और ऐसे छोटा छोटा सा सर्कल काट के और फ्लावर के बीच में आप, जैसे मैंने येलो कलर लेके पेस्ट किया है वैसे आप ऐसे कोई भी कलर लेके पेस्ट कर देंगे. अब मेरे फ्लावर इतने ढेर सारे आप देख रहे हैं, तैयार हैं पहले से. अब हम क्या करेंगे, फ्लावर लेंगे. दो मैंने बड़े फ्लावर काटे हैं तो मैं सबसे पहले एक फ्लावर यहाँ पे पेस्ट करूंगी. एक फ्लावर मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ. ठीक है, उसके बाद
मैं ये फ्लावर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे मैं ऐसे फ्लावर को इसके साथ पेस्ट करती जाऊंगी। ये हम लोग फ्लावर पेस्ट कर रहे थे, ऐसे हम लोग किनारे किनारे फ्लावर कट जो किए थे उसको मैंने पेस्ट कर दिया है, इस साइड भी और फिर दूसरे साइड भी। लीजिए ये हमारा फैन रेडी हो गया है, इससे हम लोग, ये हमारा फैन रेडी हो गया है। तो आप अपने घरों में इसको ट्राई करिए। हैव अ नाइस डे।